अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सब लोग खैरियत से हैं। आज की रेसिपी बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। आज मैं आपको सिखाऊंगी मैकडॉनल्ड्स मैकरेबिया, आप घर पे बनाएंगे बहुत आसानी से। तो चलें जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लेना है 3 कप मैदा, और ये वाला कप मैं यूज़ करी मेजर करने के लिए। और इस तरह मैदे को एक दफ़ा आपने हिला लेना है। अब इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून इंस्टेंट यीस्ट, 1 टीस्पून कलौंजी, 1 टीस्पून चीनी और 1/2 टीस्पून नमक। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, और ऑयल ऐड करने के बाद आपने इसको एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। चले अब 1 से 1.5 कप आपने पानी ले लेना है, और इसको ज़रा गर्म रखना है आपने। नीम गर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि गर्म पानी होगा तो उससे हमारी जो डो है, इसमें जो हमने ईस्ट डाली है, वो एक्टिवेट हो जाएगी, जो इसको राइज करने में इसकी हेल्प करेगी। तो पानी ऐड करते जाना है आपने, इसको गूंदते जाना है। ना आपने बहुत ज़्यादा इसको सख्त गूंदना है और ना ही ये बहुत सॉफ्ट हो, बस आपने इसको मीडियम रखना है। जब अच्छे से सब कंबाइन हो जाए तो आपने इसको 3 से 4 मिनट के लिए खूब गूंदना है और इसकी पंचिंग करनी है। और उसके बाद आपने इस तरह अपनी हाथ की हथेलियों से आगे को स्ट्रोक लगाते हुए इसमें इलास्टिसिटी पैदा करनी है। आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको गूंदना है ताकि हमारी बहुत ही बेहतरीन डो रेडी हो, क्योंकि जितनी अच्छी डो रेडी होगी उतनी ही अच्छी हमारी ब्रेड्स बनेंगी। चलिए यहाँ पे मैंने एक बाउल ले लिया, और इसमें मैं ऑयल लगाकर इसको ग्रीस कर रही हूँ। अच्छी तरह से इसको आपने ग्रीस कर लेना, और उसके बाद ये जो हमने डो रेडी की है अपनी, इसको हम इसमें रख देंगे। और इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल जो है वो ड्रिजल कर देंगे ताकि ऊपर से ड्राई ना हो। या तो आप इसको किसी एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे, और या फिर आप इसके ऊपर क्लिंग फिल्म लगा कर इसको 2 घंटे के लिए रेस्ट देंगे। तो मैं इसको ओवन में रखूंगी 2 घंटे के लिए ताकि ये अच्छी तरह से राइज हो जाए, और जब ये राइज हो जाएगी तो अपने साइज़ में डबल हो जाएगी। और अब हम बनाएंगे तहीना सॉस। एक पैन में मैं ऐड कर रही हूँ 3 से 4 टेबलस्पून सफ़ेद वाले तिल, और इनको हमने ड्राई रोस्ट करना है 1 से 2 मिनट के लिए। इनका हमने कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं करना, जस्ट हमने इसके अंदर एक हल्की सी खुशबू लेकर आनी है, और इसका जो मॉइस्चर है वो थोड़ा सा ख़त्म हो जाए, थोड़े ड्राई हो जाए। अब ब्लेंडर में हमने ये तेल डाल देने हैं, और इसमें हम ऐड करेंगे 4 से 5 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के, और 1 से 2 मिनट के लिए ब्लेंडर को चलाएंगे। और जब कुछ इस तरह से ये रेडी हो जाएगा, हाफ डन होगा, तो इसमें हम 3 से 4 टेबलस्पून मेयोनीज ऐड कर देंगे, और 2 मिनट के लिए अगेन इसको चलाएंगे, तो फिर हमारी तहीना सॉस रेडी हो जाएगी। तो चलिए अब हमने इसको साइड पर रख देना, और अब मैं आपको बाकी की चीज़ें बताती हूँ कि चिकन पैटी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। 1/2 kg में इसमें बोनलेस चिकन यूज़ कर रही हूँ, 2 ब्रेड के स्लाइसेस, 1 अंडा, 1 छोटा सा प्याज, 2 से 3 हरी मिर्चें, थोड़ा सा हरा धनिया, और 2 से 3 इसमें मैंने गार्लिक के क्लॉव्स लेके श्रेड कर लिए हैं। और इन मसालों को आप ज़रा गौर से देखें। 1 टीस्पून इसमें जाएगा नमक, 1/2 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे पेपरिका पाउडर, 1 टीस्पून इसमें वाइट पेपर जाएगी, 1 टीस्पून इसमें जाएगा चिकन पाउडर, 1 टीस्पून इसमें जाएगा जिंजर पाउडर, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून मस्टर्ड पाउडर। और इस तरह से हमारे सारे मसालों की प्लेट ही रेडी हो जाती है। सबसे पहले हम चिकन को ऐड करेंगे चॉपर में, और हम इसको 1 मिनट के लिए चला लेंगे। अगर आपके पास चिकन का कीमा है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। मैं इस टाइम इसमें चिकन बोनलेस ही यूज़ कर रही हूँ, मैं चेस्ट का बोनलेस यूज़ कर रही हूँ। आप इसमें प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया और जो लहसुन के क्लॉव्स थे वो ऐड करेंगे, और अगेन हम इसको 1 मिनट के लिए चलाएंगे। हमने इसको बहुत ही बारीक पीसना है, बहुत फाइन पीसना है। और अब जो हमारे रिमेनिंग स्पाइसेस हैं मैं वो ऐड कर रही हूँ इसमें, और इनके साथ साथ हम इसमें ऐड करेंगे 2 स्लाइस ब्रेड के, और अगर आपके पास ब्रेड के स्लाइसेस नहीं है तो आप 1/2 कप इसमें ब्रेड क्रम्स भी ऐड कर सकते हैं। और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 अंडा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसको थम्स अप ज़रूर दे दिया करें। चिकन पैटी का जो मटेरियल है वो कुछ इस तरह से होना चाहिए, आपको इसकी कंसिस्टेंसी देख के आइडिया हो गया होगा।
अब इसको एक ख़ास तरीके से हम इसके पैटी बनाएंगे। तो सबसे पहले तो आपने क्लिंग फिल्म ले लेनी है और आपने इस तरह से अपने जो काउंटर है उसके ऊपर इसको बिछा लेना है और एक एक टेबल स्पून भर के आपने ये जो मिक्सचर है ये क्लिंग फिल्म के ऊपर लगाना है और अपने हाथों को आपने हल्का सा ग्रीस कर लेना है ऑयल से और आप इस तरह से अपने हाथों की हेल्प से बनाएंगे पैटी इसके ऊपर और साथ आप इसको पतला करते जाएंगे। जितना ये थिन होगा उतना ही अच्छा है। अगर आपको लगे कि आपके हाथों से चिपक रहा है तो थोड़ा सा अपने हाथों को और ग्रीस कर लें। प्रॉपर जब पैटी आपके बन जाएंगे तो आपने इसको इस तरह बड़ा करते जाना है और साथ आपने इसकी शेप को बिल्कुल ठीक कर लेना है। अब आपने ऊपर से क्लिंग फिल्म को दोबारा से कवर कर देना है इसके ऊपर और इस तरह सीजर से काट कर तो आपने इसको सेपरेट सेपरेट से पैटी कर लेना है रेडी। और अब हम इसको रखेंगे 30 मिनट्स के लिए फ्रिज में। इस क्वांटिटी से हमारे 8 पैटी रेडी होंगे, 6 मैंने रेडी कर ली और 2 का मटेरियल आपने देख लिया। और ये हमारी डो माशाल्लाह से डबल ट्रिपल हो गई है साइज़ में। डो प्रूफ होने के बाद आप इसको पंचिंग करेंगे अच्छे तरीके से ताकि इसमें जो एयर है वो सब की सब निकल जाए। और अब आपने इसको काउंटर पे निकाल लेना है। अच्छा, काउंटर पे निकालने के बाद आपने इसके ऊपर मैदा थोड़ा सा स्प्रिंकल करना है और उसके बाद आपने इसको जो तरीका मैंने आपको पहले बताया था हाथ की हथेलियों से आपने आगे को स्ट्रोक लगाते हुए 3 से 4 मिनट के लिए इसको मज़ीद गूंदना है। इस तरह क्या होगा कि बहुत प्यारी और बहुत बेहतरीन आपकी डो रेडी हो जाएगी और उससे आपकी ब्रेड बहुत अच्छी बनेगी, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। 3 से 4 मिनट गूंदने के बाद आपने इस तरह से रोल बना लेना है और हल्का सा मैदा उसके ऊपर आपने स्प्रिंकल कर देना है और आपने 5 to 6 इसको हिस्सों में डिवाइड कर देना है। तो मैं 5 हिस्सों में डिवाइड कर रही हूँ और उसके बाद इनके मैं पेड़े बना लूँगी और पेड़े बना के मैं साइड पर रखती हूँ तब तक। अच्छा, मैंने यहाँ पे 5 पेड़े बना के रख ली हैं और अब बारी बारी एक एक रोटी बेल के तो हमने उसको साइड पे रखते जाना है। रोटी आप आराम से रोलिंग इनके साथ बेल सकते हैं। अगर आपको लगे कि थोड़ी सी चिपक रही है ये तो फिर आप हल्का सा इसके ऊपर मैदा स्प्रिंकल करें और इस तरह से बहुत ईजीली विद इन अ मिनट ही आपकी रोटी बन जाएगी। सब रोटियाँ बेल के तो इस तरह से आपने साइड पर रख लेनी है। चलें अब हम तवे को गर्म कर लेते हैं और एक रोटी मैंने उसके ऊपर डाल दी है और जब हल्के हल्के से बबल्स आना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है कि वन साइड इसकी जो है वो डन हो गई, तो आप उसको फ्लिप कर लेंगे। तो आपने इसके बबल्स आने का वेट करना है और जो फ्लेम है इसकी वो आपने लो टू मीडियम रखनी है। आप देख रहे हैं कि बबल्स आना शुरू हो गए तो मैंने इसको फ्लिप कर दिया। इस तरह दूसरी साइड पर भी बबल आने का हम वेट करेंगे। जब इस तरह से हल्के हल्के से लाइट ब्राउन से स्पॉट आ जाएं तो आप समझ जाएं कि आपकी रोटी पक गई है और रोटी को फुली कुक होने में 7 to 8 मिनट्स का टाइम जो है हमें वो रिक्वायर्ड होगा। इस तरह बारी बारी में सब रोटियां बना लूँगी और वो साइड पे रखती जाऊँगी। चलिए अब हमने पैटी को ग्रिल करना है। ग्रिलिंग पैन में बटर ऐड करके तो जो पैटी हमने फ्रीज़ कर लिए थे आप देखें थोड़े स्टिफ हो गए थे, तो अब हम इसको 7 to 8 मिनट्स के लिए अच्छी तरह से इसको ग्रिल कर लेंगे। तो चिकन पैटी को ग्रिल करने का जो एस्टिमेटेड टाइम है वो भी 7 to 8 मिनट्स है। इससे ज़्यादा आपने इसको ओवर कुक नहीं करना, क्योंकि अगर आप इसको ओवर कुक कर देंगे तो जो इसके जूसेस हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगी। तो हमने इसको ड्राई बिल्कुल भी नहीं करना, बस जैसे ही आपको लगे कि ये डन हो गया तो आपने इसको निकाल लेना है। अच्छा, यहाँ पे मैंने लेटस लिए थोड़ी सी और रिंग्स पे मैंने अनियन कट कर लिया और साथ ही मैंने टमाटर भी कट कर लिए हैं। हमारी सब चीज़ें रेडी हैं। आप देखें ब्रेड, हमारे चिकन पैटीज़, हमारी सैलड और साथ में तहीना सॉस। तो चलें अब इसकी असेंबलिंग करते हैं। सबसे पहले आपने ब्रेड लेनी है और उसके ऊपर आपने हाफ ब्रेड के ऊपर 1 टेबल स्पून भर के जो तहीना सॉस है ये स्प्रेड कर देनी है। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे 2 से 3 लीव्स लेटस के। आप चाहें तो लेटस को कट करके भी ऐड कर सकते हैं और साथ ही एक मैकरेबिया में हम लगाएंगे 2 पैटी। तो यहाँ पे 2 चिकन पैटी मैं रख रही हूँ और इसके ऊपर 2 से 3 एज़ पर योर रिक्वायरमेंट। आप इस पर अनियन के स्लाइसेस रख सकते हैं और मैं इसके ऊपर 2 टोमेटो स्लाइसेस लगा रही हूँ। वहीं जी, हमारा मैकरेबिया बन के रेडी हो गया और सीरियसली ये बहुत मज़े का बना था, सबको बहुत अच्छा लगा। आपने भी इसको ज़रूर ट्राई करना है और आई होप कि आपको भी बहुत पसंद आएगा। मिलती हूँ एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।